So we'll talk about health and Kumbhak. Now let's start from our body and let's understand how this body works. Huh? So your body responds to any kind of stimulus. आपका शरीर किसी भी एक क्रिया का प्रतिक्रिया करता है. इफ यू गिव कार्बोहाइड्रेट देर विल बी इंसुलिन रिलीज. नॉट ओनली जस्ट इंसुलिन, इंसुलिन, एमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन एंड दीज काइंड ऑफ हॉर्मोन्स. ऐसे बड़े बड़े सारे हॉर्मोन्स आपके शरीर में निकलेंगे उस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज और यूज करने के लिए. इफ योर बॉडी वॉन्ट्स टू मेक प्रोटीन, और प्रोटीन अगर आप देते हैं तो फिर आपके शरीर में थायरोक्सिन का रिलीज होना चाहिए. वो प्रोटीन के मेटाबोलिज्म में हेल्प करेगा. इसी तरीके से दिस इज वन एस्पेक्ट. व्हेन यू गिव फूड द बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट. व्हेन यू गिव द बॉडी अ रिस्क, अ लिटिल रिस्क, द बॉडी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट रिस्क. है ना, कोई बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में चला गया, हाउ विल द बॉडी रिस्पॉन्ड? इट विल इंक्रीज इट्स इम्यूनिटी, इट विल इंक्रीज द प्लेटलेट लेवल्स, एंटीबॉडीज, है ना, वो आपके शरीर में बढ़ेगा टू टेक केयर ऑफ दैट पैथोजन जो आपके शरीर में बाहर से आ गया, उसको खत्म करने के लिए काम करेगा. तो इम्यूनिटी आपकी शरीर की वो कहलाती है, दैट इज इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. इट विल रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ रिस्क एंड ऑल द हॉर्मोन्स, मेटाबोलिक हॉर्मोन्स विच विल रिस्पॉन्ड टू एनी काइंड ऑफ फूड. ठीक है, इसका मतलब दिस इज डन बाई योर बॉडी, नॉट बाई यू. आप नहीं करते ना, शरीर करता. यू डोंट इवन नो हाउ दिस हार्ट वर्क्स और हाउ डाइजेशन इज हैपनिंग, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, लंग फंक्शन, यू डोंट नो. हम नहीं कर रहे, द बॉडी इज डूइंग इट. दैट मीन्स द बॉडी इज इंटेलिजेंट एंटिटी, बहुत इंटेलिजेंट एंटिटी है. फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस बॉडी डिडंट क्रिएट एनी डिजीज, क्रॉनिक डिजीज जिसे हम कहते हैं. इन द लास्ट 50 to 100 ईयर्स वी आर गेटिंग इन टू क्रॉनिक डिजीज. यही है ना क्रॉनिक डिजीज, आपकी डायबिटीज, थायराइड, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, इस तरीके के ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी बढ़ रही हैं. तो आपको याद है आपकी दादी नानी, दादा नाना, याद है आपके पूर्वज, याद हैं या उनके एक जनरेशन पीछे उनको ये प्रॉब्लम थी क्या? 100 साल पहले आपको प्रॉब्लम थी क्या? ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम थी क्या? ये सब नहीं थी. तो वी हैव क्रिएटेड इट, हमने ये बनाया. कैसे बनाया अभी देखेंगे, हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है. अच्छा, आपके पूर्वजों से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आई है, मगर आप अपने बच्चों में इसको ट्रांसफर करोगे. इट हैज नॉट कम फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, बट यू विल ट्रांसफर इट टू योर किड्स, दैट इज फॉर श्योर, ये पक्का है. तो हम एक बात कहते हैं कि हमने जीवन जो है ना अपने बच्चों से उधार लिया होता है. इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको. उसी हिसाब से हमें चीजें करनी चाहिए. सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब द सिस्टम ऑफ लाइफ, द बैलेंस ऑफ लाइफ. कैसे डिस्टर्ब किया, जरा समझ से. योर बॉडी रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ नेचुरल फूड और सम काइंड ऑफ रिस्क, है ना. नेचुरल फूड से यहां पे पकड़ते हैं, नेचुरल फूड से रिस्पॉन्ड करता है. नाउ इफ यू पुट केमिकल इन साइड योर बॉडी, विल योर बॉडी ट्रीट इट एज फूड? क्या वो उसे भोजन की तरह देखेगा? नहीं देखेगा, तो रिस्क की तरह देखेगा. फिर क्या करेगा, उसका रिस्क खत्म करने का मैकेनिज्म चालू होगा. इम्यूनिटी वो बढ़ाएगा, या इम्यूनिटी के सेंस में वो उसको हैंडल करने के लिए अपने अंदर चीजें, टी सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इस तरीके की चीजें बढ़ाएगा. या रिस्क को कम करने वाला हार्मोन को, जैसे कॉर्टिसोल है, वो बनाएगा. ज्यादातर आपका मेडिसिन बॉडी बाहर फेंक देता है. तो लिवर इज योर सेकेंड ब्रेन, लिवर चेक्स इट एंड सेज, ओ दिस इज नॉट माई फूड, ये मेरा भोजन नहीं है, तो इसको बाहर फेंको. 500 मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन दैट यू टेक, 498 द बॉडी इज एबल टू थ्रो आउट, बट 2 स्निक्स इन, बाईपास कर जाता है इस मैकेनिज्म को, घुस जाता है आपके सिस्टम में.
उसी से आप कहते हैं ना, वही आपका डोज टाइट्रेशन, जो 500 मिलीग्राम दिया जाए आपको 2 मिलीग्राम चाहिए, मगर शरीर फेंक देगा तो 2 ओवरलोड कर दिया तो गया। पहली बात तो यहां पर टॉर्चर किया आपने। दूसरी बात, आप एक और चीज देखेंगे, बाहर फेंकने के लिए, टू थ्रो द टॉक्सिन आउट, बॉडी यूजेस वाटर एंड किडनी एज अ फिल्ट्रेशन। तो आजकल लोगों के शरीर में पानी की कमी हो रही है, वाटर जब भी निकलेगा आपके हार्ट पे जोर आएगा, हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। आप ये समझिए जरा, क्या डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, पानी शरीर से निकलेगा हार्ट कमजोर हो जाएगा, किडनी कमजोर हो जाएगा, किडनी पे ओवरलोड डाल दिया। कितने लोग आजकल किडनी इशू आ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा, डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, कनेक्ट कीजिए। तो जब भी आप मेडिसिन से बॉडी को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स बेसिकली टॉर्चर। एक 2-2.5 किलो के बच्चे को आप कितने सारे केमिकल डालते हैं इन द नेम ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो समझिए आप जब भी शरीर के अंदर वो चीज डालेंगे विच इज नॉट इट्स फूड, जो उसका भोजन नहीं है, तो शरीर खराब ही होगा। नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट, दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, वॉट फूड यू आर पुटिंग इन इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस्ड, इस बात को ध्यान दीजिए। तो बॉडी उसको भी रिस्क की तरह लेता है, वो रिस्क की तरह लेता है। थर्ड पार्ट, योर बॉडी ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट। गर्मी होगी तो आपका शरीर पसीना निकाल के ठंडा कर देगा, ठंड होगी तो गर्म करेगा कपकपी लगा के, बट द होल एनवायरमेंट हैज गॉट डिविएटेड, वी हैव डिविएटेड द एनवायरमेंट, हमने एनवायरमेंट को डिविएट कर दिया है कि नहीं, पॉल्यूट कर दिया, खराब कर दिया, जिस तरीके से हम रहन सहन हमने कट ऑफ कर दिया अपने आप को एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट नेचुरल नहीं है और उसके बावजूद, उसके अलावा हमने इसको उसके साथ में कट ऑफ कर दिया अपने आप को, तो आपका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा उसे करना चाहिए था बिकॉज ऑफ अ डिविएटेड एनवायरमेंट। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो हमारा पूरा सिस्टम बिगड़ गया, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, क्रिया की प्रतिक्रिया जिस तरीके से हमारा शरीर करता है वो बिगड़ चुका है। तो आप कार्बोहाइड्रेट डाल रहे हो तो इंसुलिन नहीं निकल रहा तो डायबिटीज हो रहा है, या इंसुलिन इस्तेमाल नहीं हो रहा तो डायबिटीज हो रहा है, ये चल रहा है। थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर हो रहा है, कैंसर तक हो रहा है। अब जरा देखते हैं कि अगर ये बिगड़ गया, ये बीमारियां आ गई, तो क्या ये दवाई से ठीक होगी? दवाई से जो बीमारी आपको आई है क्या दवाई से ठीक होगी? कभी नहीं ठीक होगी। आप जेनेटिकली वीक बेबी पैदा करने लग जाओगे, उनको बचपन से बीमारी हो जाएगी, मगर ये ठीक नहीं होगा। तो हम गलत जगह देख रहे हैं, हम साइंस के नाम पे एक ऐसी जगह पे ही काम कर रहे हैं जिससे हटके हमको सोचना चाहिए था। ऐसा नहीं होता, हर चीज को साइंस का नाम ना दे, तो कभी भी बॉडी को टॉर्चर करने को साइंस और ट्रीटमेंट का नाम ना दीजिए। कभी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़े, क्योंकि आपने और कोई चीज डेवलप ही नहीं की, आपके पास एक ही चारा बचा है, तो इमरजेंसी में उसको यूज कर सकते हैं एज अ मैनेजमेंट, नॉट एज अ ट्रीटमेंट। सो अब क्या करें? तो थोड़ा सा और समझते हैं ये शरीर किस तरीके से इस मैकेनिज्म को रिस्पॉन्स किस तरीके से करता है चीजों के रिएक्शन में, रिस्पॉन्स कैसे करता है। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शरीर का, प्रतिक्रियात्मक जो कार्य प्रणाली है शरीर की, उसको समझते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करता। तो अगर किसी ने आपको एक मुक्के से मारने की कोशिश की जोर से, आपका रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा? आप क्या सांस रोक के शरीर को टाइट कर लेंगे? अच्छा, इफ यू सी अ हॉरर मूवी एंड देर इज अ वेरी डिफिकल्ट सीन, एक सीन आता है ऐसा डर वाला, क्या करते हैं? सांस रुक जाती है आपकी, उल्टी करते हैं जो, व्हेन यू प्यूक व्हाट हैपन्स? फर्स्ट द ब्रेथ गेट्स हेल्ड, छींक मारी होगी सबने, स्नीजिंग, हाउ स्नीजिंग हैपन्स? ब्रेथ गेट्स हेल्ड फर्स्ट, पहले सांस रुकती है,
या नहीं? तो और देखते हैं जरा, इफ यू स्टैंड अप विथ योर लेग्स क्लोज और धक्का देने की कोशिश करे कोई आपको, और आप जमे रहना चाहते हैं एक जगह पे, डोंट वांट टू फॉल डाउन, यू वांट टू होल्ड द पोजीशन, हाउ डू यू डू दैट? कैसे अपने आप को संभाल कर रखेंगे नहीं गिरने के लिए? कैसे क्या करेंगे अपने अंदर? सांस रोक लेंगे, हाँ या ना? आप सांस रोकेंगे। अच्छा अब जरा और देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को फंसा लीजिए, जस्ट क्लास्प योर फिंगर्स एंड पुल, खींचिए, देखिए पीछे सांस रोक रहे हैं, ये स्ट्रेंथ क्रिएट करने के लिए सांस रोक रहे हैं, पुश करके देखें, जोर से पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए जोर से, देखिए सांस रोक रहे हैं पीछे। जंप कब कर कैसे करते हैं? सांस रोक के जब आप गिरते हैं ऊपर से नीचे, व्हाट हैपेंस? योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड, सांस रुक जाती है। सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं? वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, ये सब कैसे होता है? वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड बिहाइंड, पीछे अलग अलग अनुपात में आपकी सांस रुकती है। बॉडी का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रेंथ पैदा करने का एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? डायनेमिक मैकेनिज्म क्या है? तरीका क्या है शरीर के काम करने का? सांस रोक के अलग अलग अनुपात में अलग अलग समय पे। ये जो एक्शन डायनेमिक मैकेनिज्म है इसी को कुंभक कहते हैं, ये जो डायनेमिक मैकेनिज्म है इसी को कुंभक कहते हैं। जिस तरीके से आपका शरीर बाहर से और अंदर से काम करता है वही कुंभक है। अगर फोकस करना है आपको, माइंड की बात करें, दिमाग रुकता नहीं है ना, जरा मुंह खोल लीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू थिंक, आप सोच नहीं पाएंगे और आप देखेंगे आपकी सांस रुकती है। फोकस करना, एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, एक पांव पे खड़े हो जाइए, फोकस कीजिए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, व्हाट हैपेंस बिहाइंड, अंदर क्या होता, सांस रुकती है। बिना सांस रोके आप माइंड का फोकस भी नहीं कर सकते। तो चाहे शरीर हो, बॉडी हो, चाहे माइंड हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो, शरीर का काम करने का तरीका कुंभक है, कुंभक ही शरीर के काम करने का तरीका है। तो रिस्पॉन्स अगर कमजोर हो गया शरीर का तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप समझदार हैं, मैंने इतनी सारी चीज बता दी आपको, तो आपको कुंभक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर सीढ़ियां चढ़ के देखिए, अगर सांस फूल रही है इसका मतलब सांस रोकने की शक्ति कम हो गई है, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, जल्दी गिर जाते हैं, इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो सांस क्या करना पड़ेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक लाइन पे चल के देखें, ज्यादा देर फोकस नहीं कर पा रहे, एक्शन ठीक से नहीं कर पा रहे, तो क्या गड़बड़ हो गई? आपकी कुंभक कैपेसिटी वीक हो गई है। और थोड़ा सा समझते हैं इसको, मैं थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये बहुत बड़ा फील्ड है, कुंभक एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है अपने आप में, इसी की वजह से सब कुछ चलता है। इसके ऊपर काम बहुत कम हुआ या काम करना हमने छोड़ दिया, तो इसके ऊपर हमें दोबारा से काम करना, हमारा पर्पस है कि कुंभक साइंस को जेनेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉनिक डिजीज से निकलने के लिए, मेंटल इश्यू से निकलने के लिए हम दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो इसको और कैसे रिलेट करेंगे? क्या ये केवल सांसों से लेके है? नहीं, ये सांसों से लेके ही नहीं है, ये बहुत कुछ है। हम केवल बता इसे ले रहे हैं क्योंकि आप इससे को रिलेट कर पाए, बिकॉज यू विल बी एबल टू को रिलेट इट इजिली। सो सपोज यू गो टू अ पर्सन हु हैज अ लिवर डिजीज, व्हाट विल यू फील इफ यू सी द ब्रेथ? ही विल बी एक्सहेलिंग मोर, वो सांस छोड़ लंबा रहा होगा, और एक किडनी का इशू जिसको होगा वो सांस लंबा ले रहा होगा। तो शरीर तो ठीक करना चाह रहा है, अगर उसको वो सपोर्ट दे दिया जाए तो ठीक कर लेगा। ऐसे न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल इश्यूज में दो तीन चीजें, जो स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, ये तीन चीजें स्थापित करनी होती हैं। भाव, राग, ताल, भारत,
आपके देश के नाम में ही हेल्थ है। ये स्थापित, तीनों ही स्थापित करने के लिए आपको कुंभक का इस्तेमाल करेंगे तो ही हो पाएगा, ये कुंभक के बगैर नहीं हो पाएगा। चाहे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो भी फंडामेंटली आप कुंभक के जरिए ही अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अनजाने तरीके से। तो बिना कुंभक, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, कुंभक ही इंप्रूव करता है, चाहे आप कुछ भी डांस कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो तीन चीजें स्थापित करनी होगी और तीन चीजें स्थापित करने के लिए ही हम प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। तो अगर लीवर खराब है तो एक्सहेल ज्यादा लंबा हो रहा है, किडनी खराब है तो इनहेल लंबा हो रहा है। तो अगर इस तरीके से पता करके कि इस बंदे में, इस इंसान के अंदर प्रॉब्लम, कमजोर पक्ष क्या है इसके शरीर का, अगर हम एक डिजाइन कर दें मेथड, तो उसका लिवर किडनी ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम बिल्कुल इससे निकला जा सकता है, क्योंकि एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म शरीर का जो है वो कुंभक है। अगर एफर्ट लगाने में तकलीफ हो रही है तो कुंभक कमजोर हो गया। रीजनरेशन नहीं हो रहा तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कुंभक, और कुंभक जो मेटाबॉलिज्म का कुंभक है वो आपको ठीक करना पड़ेगा, तो रीजनरेशन भी होगा। अलाइनमेंट करने के लिए बॉडी का आपको कुंभक करना पड़ेगा तो अलाइनमेंट हो जाएगी बॉडी की। सो भाव राग ताल जब हम बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ बैलेंस एंड रिदम ऑफ दिस बॉडी, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश इन अ ह्यूमन बींग बाय मेकिंग हिम डू अ सर्टन प्रोसेस ऑफ कुंभक। इस कुंभक में बॉडी मूवमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फोकस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये कमजोर पक्ष हम पता कैसे करेंगे, क्योंकि आपको जो इमीडिएटली दिखाई दे रहा है, जो डायग्नोसिस करके आप आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो कमजोर पक्ष है, उसके पहले कुछ और हुआ होगा, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई। तो अभी जो दुनिया में डायग्नोसिस हो रहा है, इट्स नॉट कंप्लीट। हम शरीर के बारे में 1% भी कुछ नहीं बता सकते, मतलब 1% भी नहीं बता सकते। तो हम एक अलग डायग्नोसिस करते हैं दुनिया में, अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है, इसे कहते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस, जिसमें हम ब्रेथ का एनालिसिस करते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं ब्रेथ के साथ में, बॉडी के मूवमेंट के साथ में, इमोशन के साथ में। आप कुछ रीडिंग्स डालते हो, हमारे लिए फॉर्म भरते हो, उसमें रीडिंग्स डालते हो और उसको हम एनालाइज करते हैं, और फिर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये पक्ष आपका कमजोर है, और फिर पूरे आपके मेथड को उसी हिसाब से हम कस्टमाइज कर देते हैं, ढाल देते हैं, आपके लिए तैयार कर देते हैं। सो प्राण शक्ति डायग्नोसिस, देन वी टीच यू अ मॉड्यूल एंड वी कस्टमाइज दैट मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू प्राण शक्ति डायग्नोसिस। ये जरूरी है, ये जरूरी है हर एक इंसान के लिए कि वो अपने शरीर के ऑर्गन स्ट्रेंथ, ऑर्गन फंक्शन, अदर फोर्सेस, 84 फोर्सेस हम बोलते हैं शरीर को जो काम करने में इस्तेमाल होती हैं, उसमें से क्या कमजोर हो गया उसको बढ़ाना। तो कुंभक को मैं कमांडिंग फोर्स कहता हूँ, ये आपके लिए काम करता है, आपके हिसाब से काम करता है, बाकी सब फिजिकल फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब नेचुरल फिजिकल फोर्सेस हैं। कुंभक कमांडिंग फोर्स है, ये आपके हिसाब से आपके लिए काम करता है, लेकिन आपको इसको अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो ये था कुंभक और हेल्थ के बारे में। इस वक्त में आपका शरीर ही बचा सकता है, हमने टॉर्चर करके इसके स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया, इसके रिकवरी स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया, इसका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया, इसके डिटॉक्स के स्ट्रेंथ को कमजोर कर दिया। इसको स्ट्रांग करेंगे तो आप 100% आपका शरीर आपको एक बहुत खूबसूरत रिकवरी देगा। कोई भी चीज बाहर से जो आप लेते हैं, दवाई, चाहे वो केमिकल हो, नॉन केमिकल हो, या फूड के टर्म्स में हो, वो आपकी शक्तियों को नहीं बढ़ाते। आप फूड खा के मैराथन नहीं दौड़ने लग जाते, फूड को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए भी आपकी शक्तियों का इस्तेमाल होता है। तो इन शक्तियों को आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये कमजोर हो गई। दूसरा लास्ट पार्ट इसका जो है, आपके जेनेटिक्स को चेंज करना पड़ेगा, और जेनेटिक्स को चेंज करने के लिए आपको एक एपिजेनेटिक ट्रिगर, जेनेटिक को चेंज करने वाला ट्रिगर अपने शरीर के अंदर देना पड़ेगा, और वही कुंभक है। तो कुंभक इज द एपिजेनेटिक ट्रिगर विच कैन चेंज योर जेनेटिक्स, इट कैन चेंज द होल मेंटल स्केप, द होल मेंटल इकोसिस्टम। आप किसी भी मानसिक परेशानी से, बिल्कुल बीमारी से निकल सकते हैं, 100% निकल सकते हैं। तो अपने शरीर को मौका दीजिए, इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसको टॉर्चर ना करें, क्योंकि आपके जीवन की सफलता
आपके शरीर के और आपके मन की क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है।